हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और वंदना रियल ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोग के साथ छोले भटूरे की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो आप आसानी से अपने घर में बना सकते हैं। तो आइए चलते हैं, बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने 1/2 kg मैदा ले लिया है और इसमें 1/4 teaspoon नमक डाल देते हैं। उसके बाद इसमें अच्छे से मिला देते हैं। अब इसमें 1 पाव दही को लेके उसका अच्छे से मट्ठा बना लेंगे। जैसे तो मैंने धीरे धीरे मिला के इसका मट्ठा तैयार कर लिया है। अब इसको मैदे में डाल देते हैं और फिर इसको धीरे धीरे हाथ से मिलाएंगे। इसको अच्छे से मैदे में मिलाना है। देख सकते हैं गाइस, मैदे में ये अच्छे से मिल चुका है। अब हम इसमें आवश्यकता अनुसार गुनगुना पानी डाल के इसका सॉफ्ट डो तैयार करेंगे। इसमें आवश्यकता अनुसार गुनगुना पानी डालते जाएंगे और इसका सॉफ्ट डो तैयार करते जाएंगे। ये हमारा सॉफ्ट डो अब बन के तैयार हो चुका है। अब हाथ में थोड़ा सा रिफाइंड लेके और फिर उसे अच्छे से लगा के और फिर थोड़ा देर इसको अच्छे से गूथेंगे, जिससे ये डो और सॉफ्ट हो जाएगा। और इस डो को गूथ के 5 से 6 घंटे के लिए रख देंगे। अगर ठंडी का दिन है तो 4 से 5 घंटे और गर्मी का दिन है तो 2-3 घंटे में अच्छे से ये डो बन के तैयार हो जाएगा। अब इसको रेस्ट करने के लिए 4 से 5 घंटा रख देते हैं। अब हम इधर छोले बनाते हैं। और जो मैंने छोले रात भर भिगो के रखे थे उसको प्रेशर में रख दिया है लो फ्लेम पर। 4 से 5 सीटी आने तक इसको बॉईल किया है। 200 ग्राम छोले के लिए मैंने 4 बड़े प्याज, 3 हरी मिर्ची, अगर आप ज़्यादा तीखा खाना चाहें तो और मिर्ची डाल सकते हैं, 15 कलियां लहसुन और 1 इंची अदरक का टुकड़ा लेके क्रश कर लिया है। और उसी में से अदरक के कुछ टुकड़े पतले पतले काट लिए हैं। तो हमारा काबली चना उबल के अच्छे से तैयार है। देख सकते हैं गाइस, एकदम गल गया है। अब इसको हम बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने मीडियम फ्लेम पर कढ़ाई को गर्म कर लिया है। उसमें मस्टर्ड ऑयल 2 टेबल स्पून डाल के उसमें तेज पत्ता, 1 टी स्पून जीरा और मिर्ची को डाल के अच्छे से भूनेंगे थोड़ी देर के लिए। मिर्चा भून गया है, हमने जो अदरक कट करके टुकड़े रखे थे उसको डाल दिया और 1/4 टी स्पून हींग पाउडर को भी डाल देते हैं। अब इसके बाद अदरक लहसुन को जो क्रश करके हमने रखा था उसको भी डाल देते हैं और अच्छे से इन सबको भूनेंगे। अदरक लहसुन हमारा भून गया है। अब हम इसमें कटा हुआ प्याज डाल देते हैं और प्याज को भी भूनेंगे जब तक प्याज गल ना जाए। प्याज हमारा अब भून चला है। अब अकॉर्डिंग टू टेस्ट नमक डालेंगे। इसके बाद 1/2 टी स्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टी स्पून धनिया पाउडर डाल के सबको अच्छे से भूनेंगे। और आप चाहें तो हल्दी पाउडर और डाल सकते हैं। ये हल्दी मेरा घर का बना हुआ, इसलिए मैंने 1/2 टी स्पून डाला है। 2 मीडियम साइज टमाटर को काट लिया है और 5 रुपए वाला छोले मसाले को कट करके 1 बाउल में 1 पैकेट डाल दिया। अब इसमें 1/2 टेबल स्पून गरम मसाला डाल दिया।
उसके बाद इन सब में पानी मिला के और इन मसालों को अच्छे से मिलाएंगे। मसाले अच्छे से मिल चुके हैं, अब इनको हम कढ़ाई में डाल देते हैं और इन सभी मसालों को अच्छे से भूनेंगे जब तक ये ऑयल रिलीज ना कर दे मसाले हमारे। आप देख सकते हैं गाइस, मसाला हमारा भून कर तैयार हो रहा है क्योंकि इसमें से तेल अब रिलीज हो रहा है। हमारे मसाले अच्छे से अब भून गए हैं, उसके बाद में कटे हुए टमाटर को इसमें डाल के इसको भी अच्छे से भूनने देंगे। टमाटर हमारा भी अच्छे से गल गया है और ग्रेवी हमारी अच्छे से तैयार हो गई है। ग्रेवी ने तेल रिलीज कर दिया है, अब इसमें हम उबले हुए छोले को डाल देते हैं और फिर इसको अच्छे से 5 मिनट के लिए भूनने देंगे। देखिए गाइस, छोले हमारे अच्छे से भून गए हैं, आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो गया है, अच्छे से भुन गए हैं। अब इसमें हम आवश्यकता अनुसार पानी डाल देंगे। छोले में मैंने आवश्यकता अनुसार पानी डाल दिया, अब इसको प्रेशर में डालकर एक सीटी और लगा देंगे जिससे हमारे छोले बनके तैयार हो जाएंगे। देख सकते हैं छोले बनके तैयार हो चुके हैं और मैंने इसे धनिया पत्ती कट करके डाल दिया है। 5 घंटे हो चुके हैं गाइस, चूरा का डो भी बिल्कुल रेडी हो चुका है, इसको अच्छे से गूंथ लेंगे। अब इसके मीडियम साइज के लोई तैयार करते हैं। सारी लोई को इसी तरह तैयार करके रख देते हैं और मीडियम फ्लेम पर रिफाइन ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया है जिससे हमारा रिफाइन ऑयल भी अच्छे से गर्म हो जाए। और उसके बाद भटूरे बनाना स्टार्ट करते हैं। ये सबसे राइस को बेलन की सहायता से धीरे धीरे करके इतना बड़ा फैला लिया और बेलन की सहायता उठाएंगे और गर्म रिफाइन ऑयल में इसको ऐसे डालते हैं धीरे से। देखिएगा गाइस जी कैसे भटूरा फूल कर तैयार हो जाएगा, तो धीरे धीरे दबाते जाएंगे। देख सकते हैं गाइस, फूले फूले भटूरे हमारे तैयार हो गए, अब इसको एक पलट देंगे, हल्का कलर आने तक और सेकेंगे। हमारा भटूरा तैयार हो चुका है, अब इसको निकाल के हटा लेंगे और फिर दूसरे भटूरे को भी इसी तरह रिफाइन ऑयल में फिर से डालेंगे बेल कर। देख सकते गाइस, इसे उठाएंगे और कढ़ाई में डाल देंगे। ये भी भटूरा अच्छे से फूल गया, अब इसको धीरे से पलट देंगे। बाद इस भटूरे को भी निकाल लेंगे और फिर इसी तरह दूसरे भटूरे को भी बेल के धीरे से बेलन से की सहायता से उठाएंगे और गरम रिफाइन ऑयल में धीरे से डालेंगे। ये भी भटूरा फूल के तैयार हो गया, इसको भी निकालेंगे। इसी तरह करके सारे भटूरे मैंने बना के रेडी कर लिए, हमारे भटूरे बनके तैयार हो चुके हैं। अब छोले भटूरे को एक साथ सर्व करते हैं गाइस।
छोले भटूरे और कुछ कटे हुए प्याज रख दिए खाने के लिए। छोले भटूरे ऐसी रेसिपी है जो सभी को बहुत पसंद आता है, बच्चे हों या बड़े हों सभी बहुत पसंद करते हैं खाने में इसको। छोले भटूरे की यह रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने प्यारे प्यारे कमेंट करके मुझे बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।